इतनी जो सुंदर सी सीख दी, अद्भुत सीख दी, इतना फर्क पड़ा कि शीघ्र ही हरिद्वार पहुंच गए बाबा आत्मदेव। श्रीमद भागवत जी का दसवें स्कंध का पाठ किया बिल्कुल गंगा जी के किनारे बैठकर। तीर्थों में जाते हो विष्णु सहस्रनाम डाल के ले जाओ, दुर्गा सप्तशती माला झोली रोली चंदन, घर में आप रह रहे हैं तीर्थों में तो बाबा जी और बाई बन करके जाओ। पुरुष लोग आप भी धोती कुर्ता लेके जाओ, हो सके कहीं हवन भी यज्ञ में बैठना पड़े, पेंट वेंट में कहां आहुति डलती है। इस तरीके से तीर्थों का जाके आनंद लीजिए, ये सब आत्मदेव ने किया। श्रीमद भागवत जी के दसवें स्कंद का पाठ किया, किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय एकाध साल कर लें आप, जो भी अच्छा लगे एक पूरा करें दूसरा शुरू कर दें, जीवन बदल जाएगा। यह पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बढ़िया जीवन जीने के लिए। जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारों को अंगूठा भी नहीं लगाना आता, वो कहते हैं महाराज जी यदि हम पढ़े लिखे होते तो हम भी सुख सागर जरूर पढ़ते, आनंद आता, लेकिन उनको तो आता ही नहीं है पढ़ना बिल्कुल। आप इतने योग्य हैं तो वह योग्यता ग्रंथों में लिखा है कि जिस योग्यता में भगवत आराधना न हो वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है। दूध कितना भी गाढ़ा क्यों नहीं है, यदि उसमें मिट्टी के तेल की बूंदें पड़ गई हैं तो वो पीने के लायक नहीं है। जीवन कितना भी सुंदर क्यों नहीं है, दमकता चमकता हुआ, लेकिन उसमें भक्ति रस नहीं है तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का। जीवन को भक्ति रस के साथ में जोड़िए तो ही जीवन बढ़िया बनेगा, तो ही जिंदगी ठीक बनेगी।